नमस्ते दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कब आप रिलेशन बनाने के बाद प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेगनेंसी कंसीव होती है काफ़ी बार कमेंट करके पूछा जाता है कि मैम हमने इस दिन रिलेशन बनाया आप ये बता दीजिए कि पहला सिम्टम क्या होता है और कितने समय बाद हमें ये लक्षण दिखाई देंगे कि हम प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा इसमें काफ़ी सारे ऐसे की बातें मैं आपको बताऊंगी जो वैज्ञानिक तरीकों से प्रमाणित है दोस्तों तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले उन सभी से रिक्वेस्ट है जो पहली बार चैनल पर हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको डेली आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख पाए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए जो एग है महिला के शरीर के अंदर स्वस्थ एग उसका निषेचन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है निषेचित होना और ये तब होता है दोस्तों जब आप अनप्रोटेक्टिव रिलेशन बनाते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि मैम कितने दिन में ये सारी चीज़ें होती हैं तो देखिए दोस्तों एक दिन का भी समय लग सकता है और पाँच दिन का भी समय लग सकता है मान लीजिए आपका ऑबोलेशन का टाइम है और उस समय आपने रिलेशन बनाया तो उस समय आप तुरंत प्रेगनेंट हो जाएंगे एक दिन का भी टाइम आपके लिए चौबीस घंटे का काफी है लेकिन मान लीजिए आपका ऑबलेशन टाइम अभी नहीं आया है नजदीक है और उस समय आपने रिलेशन बनाया है, तो आपको करीब पांच दिन का भी समय लग सकता है जब एग और स्पम जो हर महीने महिला का स्वस्थ एक ओबरी से रिलीज होकर फिलोपियन ट्यूब में आता है और यहां पे ही अगर स्पम आके कांटेक्ट करते हैं तो फिर एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है और यहाँ से फिर क्या होता है जाइगोड बनता है और ये जो है आती है यूट्रस के लाइनिंग में आपके यूट्रस में ही बच्चा डेवलप होता है तो यहाँ पे यूट्रस के वॉल में आके चिपक जाती है एक ही जगह पे और इसको बोलते हैं आरोपन जिसको इंग्लिश में इंप्लांटेशन भी बोलते हैं तो जब यहाँ पर आके चिपकती है वॉल में तो इस प्रक्रिया में यानी फ्लोपियन ट्यूब से आके वॉल में चिपकने में यूट्रस के करीब 10 दिन का टाइम लगता है तो आपको प्रेग्नेंट होने में करीब 15 से 10 दिन का समय लग सकता है रिलेशन बनाने के बाद तो ये चीज़ कंफर्म हो गया कि आपका प्रेग्नेंट होती हैं अब काफ़ी सारी महिला बोलती हैं कि मैम रिलेशन बनाया और हमें प्रेग्नेंसी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो देखिए दोस्तों एक या दो दिन में प्रेग्नेंसी के लक्षण नहीं आते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ब्रून आके चिपक जाता है आपके यूट्रस के वॉल में तो यहाँ पे क्या होता है दो हार्मोन आपके बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन और पोजेस्ट्रोल जब ये बढ़ना स्टार्ट होते हैं तभी प्रेग्नेंट होने के लक्षण भी सामने आते हैं जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं तो अब जानते हैं कि सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं जो प्रारंभिक होते हैं जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है आरोपण हो जाता है उसके बाद तो दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि आपको जो लक्षण नोटिस करना है वो रिलेशन बनाने के पंद्रह से बीस दिन के बाद ही नोटिस करना है इसमें सबसे पहला लक्षण क्या होता है तो देखिए दोस्तों पीरियड आने के पाँच दिन पहले आपको स्पॉटिंग हो सकती है ये इस चीज़ का संकेत है कि आपकी स्वस्थ प्रेगनेंसी जो है वो इम्प्लांट हो गई है आरोपन आपका हो गया है ये जो स्पॉटिंग है एक दिन भी रह सकती है चौबीस घंटे में भी ठीक हो सकती है किसी किसी महिलाओं को दो दिन तक भी होती है तो ये थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स में आपको स्पॉटिंग होती है साथ ही साथ खूब ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज फील होगा आपको डिस्चार्ज मतलब ये वाइटरी टाइप का होगा इसका कोई कलर नहीं होगा तो ये डिस्चार्ज आप अगर आप में ज़्यादा आ रहे हैं उस समय पीरियड आने के तीन चार दिन पहले तो ये भी एक मेन सिम्टम्स है कि आप प्रेगनेंट हो चुकी हैं इसके साथ ही दोस्तों काफ़ी सारी महिलाओं में मॉर्निंग सिकनेस आने लगती है सुबह सुबह आपको बहुत उल्टी जैसा चक्कर जैसा बहुत डल लो फील होगा आपकी सांसें फूलने लगती है। अगर आप स्टेयर वगैरह चढ़ते हो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेते हो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा आपको लगने लगती है इसके बाद बहुत सारी महिलाओं में कब्ज की समस्या कॉन्स्टिपेशन की समस्या गैस की समस्या होने लगती है आपके कमर में आपके पैर में आपके हाथ में इवन पूरे बॉडी में भी बहुत सारी महिलाओं को पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और एक बहुत मेन लक्षण होता है कि उल्टी आपको महसूस होगी लेकिन आएगी नहीं यह भी एक मुख्य लक्षण है कि प्रेग्नेंट हो चुकी हैं आप आपको कुछ भी खाने का मन कर सकता है चटपटा तीखा मीठा कभी भी कुछ भी खाने का मन करेगा साथ ही साथ मूड स्विंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखा जाता है आप उदास हो जाते हो कभी खुश हो जाते हो आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है तो ये इसीलिए होता है कि आपका पोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन जो हारमोन है उसका लेवल बढ़ गया है प्रेगनेंट होते ही तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है जो कि बहुत सामान्य चीज़ है प्रेगनेंट होने के बाद और ये ऑटोमेटिक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ठीक होने लगता है दोस्तों तो इस वीडियो में हमने जाना कि आप कब प्रेग्नेंट होती हैं, कब आपको प्रेग्नेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं रिलेशन बनाने के बाद उन सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट है जो मुझे कमेंट करती हैं कि मैम हम प्रेग्नेंट हो गई हैं या नहीं सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं इस दिन हमने रिलेशन बनाया था तो देखिए मैं दोस्तों आप करीब 10 से 15 दिन का वेट करिए उसके बाद सिम्टम्स नज़र आए तो ही आप समझिए आप प्रेग्नेंट हो और फिर भी पीरियड मिस होने के वन वीक के बाद पहला यूरिन जो मॉर्निंग का होता है उससे आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लें ताकि ये कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी रुक गई है तो आज के वीडियो में बस इतना ही आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और इस वीडियो को खूब शेयर करना ताकि सारी महिलाओं के पास ये वीडियो जाए और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और मेरे चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बिल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नई टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए टेक केयर नमस्कार